गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम सर्कल का जो डिस्कस करेंगे, सिक्स पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फिफ्थ पार्ट तक डिस्कस किया था, ठीक है? तो अगर आपने सिक्स तक फिफ्थ पार्ट तक नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिए, फिर इस पे आइए, ठीक है? तो एक्चुअली बेसिकली जो है, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम के बारे में। अब हम एंगल रिलेटेड थ्योरम की बात करेंगे। जैसे बोलेंगे कि कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एग्जैक्टली डबल होगा कहीं रिमेनिंग पार्ट पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी जो पार्ट बच जा रहा है उस पर कोई पॉइंट ले लो, उसके कंपेरिजन में ये क्या होगा? डबल होगा। फिर बोलेंगे कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होगा, ठीक है? फिर बोलेंगे एंगल ऑन द सेमी सर्कल, बोलेंगे सेमी सर्कल पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। फिर बात करेंगे आगे कि जो आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर बात करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल का, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है? तो इन चीजों को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सर्कल बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो समझ में भी आएगा और आप देखोगे प्रॉब्लम भी बनेगा आपका, ठीक है? तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। चलिए हम आते हैं पहला थ्योरम पे। आपका ये दे रखा है, देखिए आपको बोला है कि एंगल सस्टेन बाई एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेन बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब आपको मैं इसको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं, फिगर के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों? आपको मतलब कोई आपका, देखिए मान लो ये सेंटर है आपका, दिस इज व्हाट आपका सेंटर है। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूं, देखिए है ना, ये आपका मान लो बच्चों दिस इज व्हाट आपका सेंटर है। तो मैं बोलूंगा कोई एक, आपने अपनी मर्जी से कोई आर्क सेलेक्ट कर लिया, ये मान लो आपने एक आर्क सेलेक्ट किया, दिस इज व्हाट आर्क, ये वाला, ठीक है? कौन सा आर्क है ये? मान लो अपनी मर्जी से दिस इज ए बी आर्क है ना, दिस इज ए और ये आपका बी, मतलब ये आपका कौन सा है? ए बी आर्क है। तो ये ए बी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ना बच्चों, ये एंगल जो होगा दिस इज ए ओ बी, ये एंगल जो होगा वो एग्जैक्टली ये आप माइनर आर्क हो गया, इसके अलावा जो बच रहा है ये मेजर आर्क। तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, दैट इज पी पॉइंट, इसका एग्जैक्टली क्या होगा, या ये जो एंगल बनाएगा, मतलब अगर मैं इसके आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा बनाएगा वो, ठीक है? तो आप बोलोगे ना कि ए पी बी जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, इसका एग्जैक्टली डबल होगा ए ओ बी, ठीक है? या तो रिवर्स भी बोल सकते हो कि आपका ए ओ बी अगर 2 थीटा है तो ये थीटा आएगा, ऐसे समझो कि अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। दोनों चीजों को आपको याद रखना है ध्यान में, ठीक है? तो इसी चीज को प्रूफ करना है। तो आपको जो प्रूफ करना है, दैट वी हैव टू प्रूव इज, देखिए आपको दिखाना है कि एंगल जो ए ओ बी होगा वो एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ ए पी बी के ट्वाइस होगा, ठीक है? तो इसको करने के लिए देखिएगा प्रूफ में मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको कराता हूं, क्योंकि आपको प्रूफ नहीं पूछने जा रहा है। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में इस पी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है बच्चों? आपने ज्वाइन कर दिया, अब जरा देखना ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ पी। अरे बच्चों ये ओ पी क्या है आपका, दिस ओ पी इज रेडियस, इनफैक्ट आप बोलोगे ना कि सर ये रेडियस है, और ये वाला भी आपका क्या है, दिस इज रेडियस, आपको दिख रहा है आपको दिस इज रेडियस, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर मैं थोड़ी देर के अगर ये एंगल को ए मान लू, ए डिग्री, तो बोलोगे ना ये इसके अपोजिट एंगल ये आ रहा है इस साइड के, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, ये ए होगा, तो दोनों क्या होंगे, ए ए डिग्री होंगे। बात समझ में आया? और सिमिलरली बोलोगे ना, देखिए इस ट्रायंगल में बी ओ पी ट्रायंगल में बच्चों ये रेडियस है आपका, ऑलरेडी मैंने बताया, और ये वाला भी क्या होगा आपका, दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। तो मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो मान लो ये एंगल कुछ है बी डिग्री है, तो आप बोलोगे ना सर ये साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, बी डिग्री होंगे। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मगर मान लो ये पॉइंट डी ले लिया मैंने, तो आप बोलोगे ना ए ओ डी जो होगा वो क्या होगा, आपका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इस ट्रायंगल ए ओ पी का। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल समझिए, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो किसी ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी, तो किसी एक साइड को मान लो बी सी को मैंने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है? तो ये आपका यहां मान लो कोई पॉइंट डी है, तो आप बोलोगे ना एक तो एक्सटेंडेड साइड और एक एडजेसेंट साइड जो आपका बन रहा है, इनके बीच का एंगल जो बनता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, तो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो आप बोलोगे ये एंगल और ये एंगल के सम के क्या होगा सर, इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ना जो ए सी डी एंगल बनेगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो यही तरीका आप यहां पर भी अप्लाई कीजिए। देखिए अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूं तो ये बनेगा एंगल, है ना, किसके हेल्प से, एक साइड ये वाला और इस एक्सटेंडेड के, तो बोलोगे एक्सटेंड एंगल बनेगा। तो आप नहीं बोल सकते हो कि सर जो एंगल AOD बनेगा वो क्या बनेगा, AOD आप ये पहले लिख लेना कि OP इक्वल टू OA है, तो ये A डिग्री तो ये भी A डिग्री होगा, ठीक है। अब आइए यहां पर आप बोलोगे कि AOD जो होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट इंटीरियर के मतलब A डिग्री प्लस A डिग्री के सम के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है, ये AA बनेगा। कैसे, तो आप बोलोगे सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल तो आपको आता होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है कि ये रेडियस तो ये ए डिग्री तो ये भी ए डिग्री होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखिए मतलब ए और डी जो वैल्यू आया वो एग्जैक्टली कितना आ गया, 2a डिग्री आया, ठीक है। सिमिलरली देखिए जरा अगर मैं बोलूं BOD, प्रूफ हम शॉर्टकट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, आपको बस ध्यान रखना है थ्योरम, तो BOD कितना होगा, तो सब सिमिलरली अगर BO इसमें बात करेंगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनेगा बच्चों आपका, ये एक्सटीरियर एंगल होगा और ये एक्सटीरियर एंगल इस साइड और इसके एक्सटेंडेड साइड से मिलेगा, तो इसका सम किसके इक्वल होता है, तो इसको ढकने के बाद दो अपोजिट बच रहे हैं इंटीरियर उनके सम के इक्वल होगा, तो ये बी डिग्री प्लस में बी डिग्री दैट इज 2B डिग्री। अब जरा मैं बोलूं कि कंप्लीट AOB कितना होगा सर, तो आप बोलोगे ना AOD प्लस में BOD होगा, आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो हम बोलेंगे देखिए कि AOD इक्वल टू होगा आपका, सॉरी AOB, ये जो AOB एंगल होगा दैट इज AOD प्लस में आपका BOD बनेगा, ठीक है। अब AOD कितना है जरा बच्चों फिगर में देखिए, AOD 2 डिग्री है, 2A डिग्री प्लस में BOD कितना है, 2B डिग्री है, सो 2A प्लस कितना बनेगा, B डिग्री बनेगा। तो यहां से बोलोगे ना कि जो एंगल AOB होगा, एंगल AOB जो बनेगा बच्चों वो ट्वाइस ऑफ A प्लस B बनेगा। अब यहां पर जरा देखो जरा कि A और B है क्या, अगर मैं पूरा कंप्लीट APB एंगल की बात करूं तो APB का तो आपको दिख रहा है ना बच्चों कि अगर इस कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो A डिग्री प्लस AB डिग्री आएगा, दैट इज A प्लस B डिग्री। तो अगर मैं इस A प्लस B को हटा के नहीं लिख सकता हूं मैं APB, तो आप लिख दो दैट इज क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल APB, और ये आपका पहले पार्ट का क्या था, आपका प्रूफ था। तो याद रखना है बस ये बात कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो एग्जैक्टली डबल होगा किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे, किसी भी रिमेनिंग पार्ट कहीं पर भी ले लो। मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझ लूं कि ऐसे बनाऊं मैं सर्कल आपका, देखिए ये सर्कल है आपका फॉर एग्जांपल, और इसका ये सेंटर है बच्चों, तो आपने ये आर्क ले लिया मान लो, दिस आर्क, इस आर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आर्क आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अगर आप इस आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हो, ठीक है, ये ए और ये वाला क्या है, बी है, तो ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, दिस एंगल कहीं पर भी ले लो एक पॉइंट, मान लो यहां पर एक ले लिया पॉइंट, तो इसका ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला क्या होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज 2 थीटा, ठीक है। कहीं पर भी ले लो, मान लो आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी से, तो सर्कल के एंड सॉरी आर के एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, ये कुछ ऐसा ज्वाइंट होगा और कुछ ऐसा ज्वाइंट होगा ये, और यहां से ये कुछ ऐसा ज्वाइंट होगा ये, तो आप बोलोगे ना अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा, समझ में आया बात। तो बस इतना याद रखना है कि जो सेंटर पे बनेगा किसी आर्क के थ्रू एंगल वो डबल होगा एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझ आ गया है आई होप। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ये रहा आपका, बोलता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, मतलब कोई भी आप ऐसे समझो कि सेम, अगर बोलेंगे कि एंगल जो बना रहा है सेम सेगमेंट पे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे बच्चों आपके, इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस चीज को मैं कैसे समझते हैं हम इसको, देखिए मान लो आपका ये सेंटर का क्या है, सॉरी सर्कल का क्या आपका सेंटर है, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। आपको सबसे पहले पता है कि सेगमेंट, मैं इसलिए बोलता हूं कि पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिए एक बार, क्या कीजिए पीछे। अब मान लो कि कोई भी दो पॉइंट ले लो सर्कल पे और क्या कर दो, उनको ज्वाइन कर दो, क्या करो ज्वाइन कर दो, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये ए और मैंने मान लो बी को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक मेजर सेगमेंट ऊपर वाला और एक नीचे वाला माइनर सेगमेंट।
तो कहीं पर भी ले लो, या मेजर सेगमेंट में कोई दो पॉइंट ले लो, या दो माइनर सेगमेंट में कोई दो पॉइंट ले लो, जो एंगल बनाएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल होंगे। मतलब आप समझिए इस बात को, मतलब अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया बच्चों, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक है, अगर मैं इस क्वाड को इस क्वाड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करूं, ये मान लो आपका कुछ है P और ये आपका पॉइंट है Q है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं एंड पॉइंट से तो कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां से ऐसे कुछ B से ज्वाइन करूं तो ये कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, सेम सेगमेंट में लिया है मैंने, ऊपर वाले मेजर सेगमेंट में। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को देखिए, अगर मैं इसको एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं इसको देखिए P से, और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो आपको दिख रहा है ना कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना है। तो आपको टू प्रूफ करना है, वो मैं लिख दे रहा हूं कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल होगा, मतलब एंगल ए पी बी एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, ए क्यू बी के, किसके, ए क्यू बी के। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैं, सिंपलेस्ट वे कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, देखिए इस वाले एंगल को देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, ए से आप ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, क्या बोला मैंने, आप ए से ओ को ज्वाइन कीजिए और सिमिलरली ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप बोलोगे ना, सबसे पहले मुझे बताइए कि इस आर्क को फोकस कीजिए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, मैं इस आर्क को, आप बोलोगे ना सर ये ए बी आर्क है, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी आर्क आप देखिए सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मान लो कुछ एंगल बना रहा है, तो ये मान लो कि 2 थीटा एंगल बना रहा है, कितना, 2 थीटा। तो सेम आर्क जो है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर ये 2 थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अरे बच्चों ये भी तो पॉइंट वहीं कहीं पे लाई कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट, आर्क के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पर भी, तो ये जो एंगल बनाएगा ये देखो सेम आर्क पे बना रहा है ये वाला एंगल भी ए क्यू बी, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली कि जो आपका ए पी बी होगा और ए क्यू बी होगा वो दोनों इक्वल होंगे, कैसे किया आपने, हमने बस कुछ नहीं किया, एंड पॉइंट के जो कॉर्ड का था उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो इनफैक्ट ये आर्क ही तो है ये, तो आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है मान लिया मैंने 2 थीटा, तो आप बोलोगे ना कि ये रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाएगा, तो इसका हाफ, दैट इज ए पी बी, क्योंकि सेम आर्क पे है तो हाफ होगा। सिमिलरली ए क्यू बी भी तो रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पर भी है सर्कमफेरेंस के मेजर आर्क पे, तो बोलोगे ये थीटा, तो ये अगर ये 2 थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया। तो हम बोलेंगे ना हमें दिखाना था, तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम बोलेंगे ज्वाइन, ज्वाइन किसको ज्वाइन किया आपने, ए टू ओ एंड क्या किया आपने, बी टू ओ, है ना, ये ज्वाइन किया है। अब यहां पर बोलोगे कि लेट, प्रूफ में आइए, लेट एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 2 थीटा, बात समझ में आया। तो हम बोलेंगे ना कि एंगल ए पी आपका कौन सा, एंगल ए पी बी जो होगा वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी अपॉन में क्या होगा, 2 होगा, क्यों होगा, एंगल ऑन द एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आप यहां से बोलोगे ना कि ये वाला आपका कितना है, 2 थीटा है, तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे इसको 2 से, तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, तो लंबा एंगल फॉर्म बाय, एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द, पूरा थ्योरम ही लिख दिया मैंने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, कहीं पर भी ले लो। तो आप बोलोगे ना कि एपीबी जो एंगल आएगा, दिस एंगल एपीबी, वो कितना आ जाएगा, तो ये थीटा आपका बोलोगे एओबी अपॉन हाफ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से सिमिलरली बोलेंगे जो आपका ए
क्यू बी जो होगा ए क्यू बी एंगल होगा बच्चों वो भी क्या होगा ए ओ बी अपॉन में टू होगा। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा टू थीटा अपॉन में टू होगा, दैट इज आपका मान लो आपका ये क्या आ गया थीटा आ गया, क्या आ गया थीटा। तो देख सकते हो ना, मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो आप बोलोगे ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोलेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों आपका एंगल ए पी बी इक्वल टू ए क्या बनेगा ए क्यू, ए क्यू क्या बनेगा आपका बी, दोनों क्या होंगे सेम होंगे। अब इसी चीज को समझिए, ये आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल होगा, या तो मेजर की बात करेंगे या माइनर, वहां पर भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूं आपको दूसरे तरीके से, देखिए एक और ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लीजिए इसको। अब चलिए इसको और डिटेल में हम समझते हैं, है ना। ये मान लो आपका, ठीक है, देखिए अगर मैं इसको बोलूं ऐसे, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं सर्कल को सो देट आपको समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। देखिए मान लो ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज सेंटर। अब अगर आपने ये ड्रॉ किया है, कोई भी एक आपने क्या कर लिया है, कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ए बी कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है ना सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो एक पॉइंट यहां पर ले लिया आपने, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक है, दोनों पॉइंट। अब इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करो इसको, ठीक है, ये तो ये एंगल कुछ बनाएगा आपका। सिमिलरली बोलेंगे इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा, ये आप सेंटर को मत देखो, इसको कहीं पर भी होगा सेंटर ऊपर नीचे, अब डोंट वरी। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट कहीं पर भी। मान लो अगर ऊपर आपने ले लिया ऊपर, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो दिस एंगल इज एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों आपका थीटा होगा। तो कहीं पर भी ले लो सेम सेगमेंट में, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब कॉर्ड आपका सेम है तो एंगल क्या होंगे आपस में सेम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं माइनर वाला की बात करूं, ये देखिए अगर मैं बोलूं माइनर सेगमेंट आपका जो बन रहा है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है, इसको कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करो कुछ ऐसा, तो ये मान लो ए डिग्री एंगल बना रहा है, सेम नहीं होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल होगा, मतलब मेजर का माइनर के साथ इक्वल नहीं करना आपको, मेजर का मेजर के साथ, माइनर का माइनर के साथ। तो अब अगर इस पॉइंट को अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो एंड पॉइंट से कॉर्ड के, तो ये जो एंगल बनाएगा दिस एंगल इज ऑल्सो ए डिग्री होगा बच्चों, समझ में आया बात। तो इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे, क्या होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सीधा नेक्स्ट थ्योरम पे, क्या आपका नेक्स्ट थ्योरम, देखिए क्या बोला है, देखिए ये है आपका, हाँ देखिए बच्चों आपको ये क्या है आपका आगे बोला है, एंगल इन द, ये बहुत सिंपल है, देखिए एंगल ऑन द, बोला एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, जो आपका एंगल बनेगा सेमी सर्कल पे वो क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। बोलोगे सर इस बात को जस्टिफाई कैसे करोगे, मान लो आपका ये पॉइंट है आपका सेंटर है, क्या है आपका सेंटर है, अगर मैं इसको एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करता हूं जो इसके सेंटर से पास होता है, तो आप बोलोगे दैट इज डायमीटर, तो ये ए बी होगा, ये डायमीटर क्या करेगा सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक ऊपर सेमी सर्कल एक नीचे सेमी सर्कल आएगा, आर यू गेटिंग नॉट, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब देखिए अगर मैं बोलूं कि एंगल आपको प्रूफ करना है कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो आप अपनी मर्जी से, ये पॉइंट ले लिया मान लो पी पॉइंट है, अगर आप कॉर्ड के एंड पॉइंट से मतलब डायमीटर के एंड से ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज 90 डिग्री, आपको ये दिखाना है, मतलब आपको प्रूफ करना है हाँ ना। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है ना, आपको प्रूफ करना है देखिए, टू प्रूफ करना है कि जो एंगल होगा कौन सा एंगल ए पी बी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। अरे इतना सिंपल प्रूफ है,
सिंपल सा आप बोल सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो, अगर आप सोचोगे थोड़ा सा एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। बोलोगे देखिए हम बोलेंगे ना ये आर को अगर कंसिडर करते हैं, इस आर को देखिएगा जरा, इस आर को, तो ये आर की बात करोगे बच्चों, इस आर की जिसकी मैं दिखा रहा हूं मैं फिगर में, ये आर्क, ये एंगल सेंटर पे जो बना रहा है ये कितना होगा, अरे ये सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल होता तो 360 डिग्री, बट हाफ है तो कितना बनाएगा ये, सर ये आधा 180 होगा और ये फिर आधा 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे ना दिस एंगल इज व्हाट, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप जरा देखिए जरा इस ए बी आर्क, ये पूरा आर्क दिख रहा है जो आपका सेमी सर्कल वाला आर्क, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है सेम आर्क पे, देखिए ये वाला एंगल कहीं पर भी बना रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये जो आपका पी पॉइंट है कहीं पर भी लाई कर रहा है इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे, तो ये जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। तो अगर ये 180 डिग्री है तो दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री होगा। अरे बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, आप बोलोगे ना कि ये 180 है तो 90 होगा क्योंकि सेम आर्क पे, तो सेम आर्क सेंटर पे अगर 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री क्यों बना रहा है, तो क्योंकि ये क्या बोलेंगे डायमीटर है, और डायमीटर है तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो कंप्लीट 360 डिग्री होता है तो आधा 180 होगा। तो अगर ये 180 डिग्री है सेम आर्क है तो रिमेनिंग पार्ट पे इसका जस्ट हाफ बनेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ना कि क्या है, ए बी इज ए डायमीटर है ना, तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम बोलेंगे कि ए बी, देखिए तो हम बोलेंगे एंगल ए पी जो होगा, ए पी बी, वो एग्जैक्टली ए ओ बी का क्या होगा, हाफ होगा, दैट इज 180 डिग्री अपॉन में 2, दैट इज 90 डिग्री होगा। मतलब ए पी बी क्या होगा, हाफ होगा। क्या लिखोगे रीजन में, सेम रीजन यहां पे मेंशन करना है कि एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, बाकी आप लिख लोगे आप, ठीक है, एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो बहुत इजीली हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए आप, आइए नेक्स्ट थ्योरम आपका है, देखिए सम ऑफ, देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट थ्योरम जो आपका है समझिए, नेक्स्ट थ्योरम है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री है ना, तो आपका जो साइक्लिक क्वाड्रेटल बना रहा है तो उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो सर साइक्लिक क्वाड्रेटल बनता कैसे है, तो सर्कल पे चार पॉइंट्स कहीं पर ले लो उसको बोलते हैं कौन साइक्लिक पॉइंट, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई फोर पॉइंट ले लो उनको ज्वाइन करो तो बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रेटल। अगर वो साइक्लिक क्वाड्रेटल बना रहा है तो उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एंगल वाले सर्कल के, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस बात को कैसे करेंगे हम, प्रूफ कैसे करेंगे, अपनी मर्जी से, अब देखिए अपनी मर्जी से हम क्या करेंगे, कोई भी आपका ये मान लो सेंटर है, दिस इज व्हाट सेंटर, कोई भी चार पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां पर ले लिया मान लो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आप बोलोगे तो आपका जो होगा, देखिए ये है, कुछ ये पॉइंट ले लिया, कुछ ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो आप बोलोगे ना सर ये ए है मान लो, ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी पॉइंट है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा शेप, और वो क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल होगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर यू गेटिंग और नॉट। तो आप देखिए कि जो आपका ये वाला, अब देखो अगर मैं बोलूं कि आपको दिखाना क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन पे आते हैं, टू प्रूफ करना है कि एंगल जो होगा ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री। इसका कन्वर्स भी प्रूफ करने बोलता है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, क्या है प्रूफ में क्या काम करेंगे, आप कुछ मत करो, बी से क्या करो आप ओ को ज्वाइन कर दो, और बी से सॉरी डी से ओ को ज्वाइन कर दो, ये बनेगा आपका, ठीक है। बच्चों अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये एंगल मान लूं आपका, दिस एंगल इज थीटा, तो बोलोगे सर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 360 बनाता। तो अगर मैं बीओडी के रिफ्लेक्स की बात करूं तो ये बीओडी एंगल होगा दैट इज थीटा, तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा रिमेनिंग एंगल, दैट रिमेनिंग एंगल इज व्हाट, 360 डिग्री माइनस में थीटा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बस आपका प्रूफ हो गया।
अब बोलोगे सर थोड़ी देर के लिए देखना कि बोलेंगे कि इस आर्क पे देखिएगा, इस आर्क की बात कर रहा हूं मैं, इस आर्क पे देखिए ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है थीटा, तो आप बोलोगे सेम आर्क पे देखिए रिमेनिंग पार्ट पे ये पॉइंट पी है आपका, तो ये कितना एंगल बनाएगा, अगर ये थीटा है तो दिस एंगल इज व्हाट थीटा बाय 2 होगा बच्चों आपका, बात समझ में आया। और बच्चों एक चीज और देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा कि अगर मैं इस आर्क को सेलेक्ट करता हूं, इस आर्क को आप रिफ्लेक्स वाला भी समझिए, अगर मैं इस आर को समझता हूं, ये आपको समझना ही समझना है इस आर को, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो बोलोगे सर ये 360 डिग्री माइनस थीटा बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, तो सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका हाफ होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा और अपॉन में क्या लिखोगे 2 लिखोगे, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बस हमें क्या करना है, ए और आपको सी को ऐड करना है और ऐड करके हमें दिखा देना है क्या होगा वो 180 डिग्री। सिंपलेस्ट में बता रहा हूं मैं आपको प्रूफ करने, बाकी बुक में बहुत लंबे लंबे मेथड दे रखा है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू प्रूफ दिस, है ना थ्योरम, ठीक है समझ में आया, क्योंकि आपको थ्योरम प्रूफ नहीं करने बोलेगा, उसका अप्लीकेशन करना है हमें क्वेश्चन में, आर यू गेटिंग, ठीक है। चलिए देखिए बात, अब यहां पर आ जाते हैं हम प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखोगे बच्चों आप, तो बोलोगे कि सर देखिए हम बोलेंगे कि एंगल जो होगा बी ओ आपका ए पी सॉरी एंगल बी ए डी जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, बी ओ डी का हाफ होगा, थ्योरम आपको मैंने बहुत बार बताया है, दैट इज थीटा बाई 2 होगा। सिमिलरली बोलोगे कि जो एंगल जो आपका बनेगा कौन सा बी सी डी, मैंने बताया ना अगर ये आर्क लेते हैं ये आर्क, तो ये एंगल कितना बना रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो सेम आर्क पे आपका कहीं पर भी लोगे तो इस एंगल का हाफ होगा, दैट इज रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो हम अगर बोलेंगे ना कि रिफ्लेक्स, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको देखिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे एंगल जो आपका होगा वो क्या होगा बी सी डी, आपका जो एंगल बी सी डी होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल, कौन से रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं हम, किसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, तो रिफ्लेक्स बोला जाता है, दैट इज अगर बोलोगे ना ये बीओडी बोलोगे तो आपका जो 180 से छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंगल, और मैं बोलूं कि उसका जो 180 से बड़ा वाला पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। देखो अगर मैं इस लाइन को ओबी को सीधा कर दूं, ओडी को सीधा कर दूं, तो डायमीटर बनेगा, तो वो आपका वैसे ही दिख रहा है ना कि 180 से ज्यादा है ये वाला, दैट इज 360 माइनस थीटा, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ किसका होगा, तो बीओडी का, बीओडी का क्या होगा वो, है ना, हाफ होगा रिफ्लेक्स एंगल के, और आपका बी सी डी जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है कितना, तो बोलोगे 360 डिग्री माइनस में थीटा है और उसका हाफ कर दो, तो आप बोलोगे सिर्फ बी सी डी जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, अगर इससे डिवाइड करोगे 2 से और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये थीटा बाई 2। अब क्या करना है, अरे बी ए डी कौन सा एंगल है, बी ए डी ये कंप्लीट एंगल ए है, बी सी डी कौन सा एंगल है, दिस एंगल सी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूं इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लूं और इसको इक्वेशन सेकंड बना लूं, तो अगर ऐड करूं देखिए एंगल जो आपका बी ए डी है प्लस में एंगल बी सी डी है वो कितना बनेगा आपका बच्चों, तो बोलोगे सर थीटा बाई 2 प्लस में 180 डिग्री माइनस में थीटा बाई 2। अरे बच्चों अगर ये थीटा बाई 2 कैंसिल कर देते हैं तो व्हाट वी गेट, दैट इज 180 डिग्री। तो हमने दिखाया कि जो आपका जो ए प्लस सी, इनफैक्ट हमने प्रूफ किया कि जो आपका ए प्लस है, ए प्लस में सी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा साइक्लिक क्वाड्रेटल में, जैसे B प्लस डी अपोजिट बन रहा है तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, बस इतनी बात याद रखना है आपको। चलिए ठीक है, कॉपी कीजिए इसको, सिंपलेस्ट भी है इसको प्रूफ करने का। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब आपका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना साइक्लिक क्वाड्रेटल का वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, देखिए आपको साइक्लिक क्वाड्रेटल सबसे पहले बनाइए आप, है ना, आपको समझ में आएगा। देखिए ये सेंटर है आपका, मान लो सेंटर है, है ना, थोड़ा सर्कल को बड़ा कर देता हूं मैं, देखिए अब देखो अगर मैं इस सर्कल का सेंटर यहां पे कुछ ले लेता हूं मैं और चार पॉइंट्स लेंगे,
एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां ले लो, एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं बच्चों तो ये कैसा बनाएगा, तो बोलोगे सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, ठीक है। कैसा बनाएगा, साइक्लिक, ए बी सी डी। आपको जैसे ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, वैसे क्वाड्रिलेटरल में भी एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। अगर मैं इस ए बी साइड को आगे प्रोड्यूस करूं, ये मान लो आपका डी पॉइंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चों, दिस एंगल आपको दिखाना है कि किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले मतलब ए डी सी। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ना, कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर, मतलब इस एंगल को ढको, उसके अपोजिट डी दिख रहा है, उसके इक्वल होगा। बस इतना बात याद रखिएगा कि अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो देखिए यहां पर बोलेंगे कि आपका जो सी बी डी एंगल होगा, दैट इज सी बी डी, ठीक है, जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा एंगल किसके, डी एंगल के इक्वल होगा। समझ में आया बच्चों, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके प्रूफ पे आइए। देखिए मैं सिंपल बताऊंगा, सिंपलेस्ट वे इसको प्रूफ करने का, कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये थीटा एंगल है बच्चों, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका एंगल है, लेट एंगल डी इक्वल टू थीटा डिग्री है, तो आप बोलोगे ना कि सर ये वाला एंगल कितना बनेगा। अरे सिंस आपका ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बनेगा, मतलब ये एंगल और ये बी एंगल जो इंटीरियर वाला है उसका सम 180 डिग्री बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। अब बोलोगे सर ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये बोलोगे सर देखिए ये एंगल और उसके बगल वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा, क्यों, लीनियर पेयर आपने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में, तो ये एंगल जो बनेगा, तो बोलोगे सर ये एंगल जो होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो वो कितना होगा, तो 180 में से हम क्या करेंगे, इस 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, देखो 180 कैंसिल, थीटा आ जाएगा वैल्यू। तो हम सिंपल सा बोलेंगे, देखिए अब यहां से बोलोगे कि जो ए बी सी एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, कैसे, अभी मैंने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अरे समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, तो एंगल ए बी सी कितना आ गया आपका, तो आप बोलोगे सर कि ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अब यहां पे समझ में आ रहा है कि ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे, देखना जरा, अगर बोलेंगे जो आपको दिखाना कौन सा था, सी बी डी, या उसी को बोलेंगे, हाँ सी बी डी, तो सी बी डी जो एंगल आएगा वो कितना आएगा बच्चों, तो बोलोगे सर 180 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर देंगे, कौन सा, ये वाला, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर, अरे ए बी डी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो लीनियर पेयर बनाएगा। तो आप बोलोगे दिस इज व्हाट 180 डिग्री माइनस में थीटा होगा, यहां से करोगे तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज माइनस, क्या करोगे, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट, तो एंगल सी बी डी जो आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, थीटा के इक्वल। तो आपको ये बात समझ करके दिमाग में बैठा के चलना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होता है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर। इससे क्या होगा, काम आपका सेव हो जाएगा, काम बच्चों टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो बच जाएगा, ये क्या करोगे 180 में से ये एंगल माइनस करो, दैट इज वो वैल्यू आता है थीटा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ना, अगर ये थीटा है ये थीटा होगा, अगर ये थीटा दे रखा है तो हम इसको डायरेक्टली थीटा बोलेंगे। बात समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको कॉपी कीजिए आप, है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जहां पे थ्योरम लगेगा मुझे आगे हम और भी थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।